जैन दोस्तों, कैसे आप सारे? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है सभी का आपका चैनल वाईफी से डिफेंस के पार्ट आपके अन अकेडमी ग्रुप पर देता आपको इंडिया की बेस्ट ऑफ डिफेंस एजुकेशन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे और अपने शो में, जिसमें मैं आपको आजकल जीके के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस करा रहा हूँ। पहले बता दूँ, आज मैं हिंदी में क्वेश्चन नहीं लेके आऊँगा, ठीक है? मतलब लेके नहीं आ पाया क्योंकि ट्रांसलेशन बहुत ही गलत हो रही थी, क्वेश्चन का मतलब ही बदल दिया जा रहा था, ठीक है? तो अब मैंने किसी को बोला है, वो मेरी हेल्प करेगा इसमें, और फिर आपको कल से मेरे ख्याल से आपको हिंदी की प्रॉपर ट्रांसलेशन मिल जाएगी। आज नहीं मिल पाएगी क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कुछ भी गलत हो, उसके बाद फिर आपके साथ ये हो जाए। नहीं नहीं सर, लंच वंच नहीं कर रहे थे। हाँ जी, डेली क्लास होती है। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी में जाके करना है मेरे को फॉलो, क्योंकि इससे आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस जो मेरे जो अपकमिंग कोर्सेज है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद फिर आपको जाना है आपके टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे जाके भी आपको करना है मेरे को फॉलो, जिससे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये है मेरा टेलीग्राम का ग्रुप डिफेंस मैवरिक्स और ये है मेरा टेलीग्राम का चैनल जीके मॉन्क। यहाँ पे आपको मिल जाएगी मेरी सारी पीडीएफ्स और यहाँ पे आपको मिल जाएगी मेरी सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, और दोनों में आपको मतलब यहाँ पे भी आप मेरे से बात भी कर सकते हो। दोनों में आपको मेरी जो अपकमिंग कोर्सेज हैं, क्लासेस, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? प्लस अगर आप अनअकैडमी के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना है कोड प्रणव ट्रेन है प्रणव आई टी, और मेरा ये नंबर है 9555021799। आप इस पर मेरे को कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा कोड यूज़ करने से ना केवल आपको एक 10% डिस्काउंट मिलेगा बल्कि आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, ठीक है? मेरी पर्सनल मेंटरशिप में एक आपको टाइम टेबल बना के दिया जाता है, हैंड पिक करके कोर्सेज दिए जाते हैं। ना केवल आपको ये विश्वास दिया जाता है कि आप पक्का क्लियर कर लेंगे, बल्कि आपके साथ जो बैठा जाता है पढ़ने, आपको बैठाया जाता है पढ़ने के लिए, वीकली मंथली रिव्यू होता है, टेस्ट सीरीज में एनरोल करवा जाता हूँ ना, और बहुत कुछ। वह आप मेरे साथ अगर ग्रुप पे हैं टेलीग्राम पे तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे आपको वहीं पे रहना है, ठीक है? आइए पहला सवाल शुरू करते हैं। परस्पिरेशन ऑफ कूल्स द बॉडी बिकॉज, जो आपको पसीना आता है उससे बॉडी ठंडी हो जाती है क्योंकि वाटर एज हाई स्पेसिफिक हीट, वाटर एक हाई स्पेसिफिक हीट होती है। प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द स्किन इज कूलिंग, जब पानी स्किन पे होता है तो ठंडा हो जाता है। इवेपोरेशन रिक्वायर्स लेटेंट हीट, जो आपकी इवेपोरेशन जो भाप बनती है वो हीट रिक्वायर करती है, इसकी वजह से ठंडा हो जाता है। या वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, बताइए परस्पिरेशन क्यों होती है आपकी बॉडी पे? सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। डिजायर ऑफ नेशन कह रहे हैं सी, जल्दी दे दे आंसर। सुनील सोलंकी जी कह रहे हैं कि सर सी इज द आंसर। विश्वजीत जी कह रहे हैं कि सर सी आंसर है। अच्छा, आई एम अनुभव, ओके ओके। अवनीशा कह रहे हैं बी।
श्वेता जी कह रही है बी, दी एजुकेटर विकास गौर कह रहे हैं सी। बिल्कुल इसका आंसर आपका सी होगा, इसका आंसर आपका सी है, इवेपोरेशन रिक्वायर्स लेटेंट हीट। बिल्कुल ठीक का, आपकी जो इवेपोरेशन है, जो भाप बनती है, ठीक है, वो सराउंडिंग से हीट ले लेती है और फिर भाप बन के ऊपर चले जाती है, तो आपकी सराउंडिंग से हीट आपकी खत्म हो गई। मान लीजिए ये आपका बॉडी के स्किन का एक पार्ट है, ठीक है, यहां से भाप बन के, मैंने क्या कहा, भाप बन के आपकी जो भी हीट थी वो चली गई, ठीक है, जो भी हीट थी वो चली गई पानी के फॉर्म में। तो यहां क्या बचेगा, यहां हीट चली गई, यहां से हीट चली गई, यहां लगेगा आपको ठंडा, यहां लगेगा आपको ठंडा, तो इसी की वजह से इवेपोरेशन रिक्वायर्स लेटेंट हीट, और इसी की वजह से जब आपका पर्सपिरेशन होता है, यानी जब आपको पसीना आता है और जब पसीना सूखता है तो वो बॉडी को ठंडा कर देता है, इसी कारण की वजह से, ठीक है, यानी बिल्कुल एनर्जी है, ऐसा नहीं है कुछ भी। अगला, ओजोन लेयर ऑब्जॉर्ब्स, ओजोन लेयर किसको मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है, किसको अपने अंदर सोख लेती है, एक्सरेस को, यूवी रेस को यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, वाई रेस को, या आपके इंफ्रारेड रेडिएशन को, किसको सोख लेती है आपकी ओजोन लेयर। पहली बात, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ओ थ्री, बताइए अब, आंसर दीजिए इसका आप, किसका, किसको सोख लेती है ओजोन लेयर, दूसरा ओजोन लेयर आपकी कौन सी परत में है या कौन सी लेयर में, यह आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, डेविड जी उसको बढ़ाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखो ठीक का, यूवी रेस का एब्जॉर्ब करती है ओजोन लेयर। दूसरी चीज, ओजोन लेयर जो यूवी होती है, अगर हम उसे कर लें तो यूवी रेस से क्या हो जाएगा, पहली बात, यूवी रेस से हमारे को स्किन कैंसर हो सकता है, ठीक है, टैनिंग हो सकती है और स्किन बर्न्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर एग्जाम पोस्टपोन हुआ मतलब आपको और टाइम मिल गया पढ़ने के लिए, बहुत बढ़िया पूजा जी। अगला, वूलन क्लोथ्स कीप द बॉडी वार्म बिकॉज, ऊन के कपड़े हमारे शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि वूल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट डज नॉट अलाउ द हीट टू फ्लो आउट ऑफ द बॉडी। वूल यानी ऊन जो कि एक बहुत ही खराब कंडक्टर है हीट का, वो अलाउ ही नहीं करता आपकी हीट को बॉडी के बाहर फ्लो होने से। वूल इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, वूल आपके शरीर के तापमान को बढ़ा देता है। वूल रिजेक्ट्स हीट फ्रॉम आउटर ऑब्जेक्ट, वूल आपके बाहरी जो चीज़ें हैं उनसे हीट को अंदर नहीं आने देता, या वूल एब्जॉर्ब्स रेडिएंट हीट फ्रॉम आउटर ऑब्जेक्ट, वूल सोख लेता है बाहर से आती हुई ऊर्जा को अपने अंदर। बताइए, डिजायरो नेशन बोल रहे हैं ए, अभिमनु राय बोल रहे हैं, अवनीश सर बोल रहे हैं ए, या क्या कर रहे हो इसे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।
देखो ठीक है, इसका आंसर है आपका ए वूल, क्योंकि एक आपका बैट कंडक्टर है हीट का, वो बॉडी से हीट बाहर जाने ही नहीं देता। होता क्या है ना, वैसे देखो इससे दूसरी चीज़ होती है, आप विंटर्स में एक बार ट्राई करना, ठीक है, ये मेरा प्रैक्टिकल है इसलिए बता रहा हूँ। आप एक एक वो पहनना, टी शर्ट पहनना नॉर्मल सी, ठीक है, उसके ऊपर एक और टी शर्ट पहनना, ये भी नॉर्मल सी, उसके ऊपर एक और टी शर्ट पहन लेना नॉर्मल सी, मतलब ऐसे, ये आपको वूल से ज्यादा ठंडा मतलब गर्म रखेगा एक वूल के स्वेटर से, क्योंकि ना आपके शरीर में क्या होगा, वो हीट को बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो वैक्यूम है वो बहुत ज्यादा हो गया, आपकी बॉडी का मास बढ़ गया, मतलब मान सकते हैं कि आपकी बॉडी और ऐसे चौड़ी होगी, तो आपकी बॉडी में से वैसे भी मान लो कपड़ा आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ ना, हीट बाहर एस्केप नहीं हो रही, तो यही कुछ वूल करता है, वूल आपकी बॉडी मास को बढ़ा देता है, वूल आपके बॉडी एरिया को बढ़ा देता है, सरफेस एरिया को, ठीक है, ऐसी बात कर रहा हूँ अमन जी, अभी ब्लॉक करवा दूंगा, फिर वो करते रहना, ठीक है। अगला, द फर्स्ट स्टेट टू बिकम बाइफर्केटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज, पहला राज्य जिससे बाइफर्केशन यानी अलग अलग कर दिया गया था आपके आजादी के बाद, अलग अलग इन द सेंस दो राज्यों में बांट दिया गया था, जैसे बिहार को आपके दो राज्यों में बांट के बिहार और झारखंड करा गया, यूपी को आपके दो राज्यों में बांट के यूपी और उत्तराखंड करा गया, वैसे ही वो पहला राज्य कौन सा था जिसको आजादी के बाद दो हिस्सों में बांट दिया गया था, मद्रास, पंजाब, बॉम्बे या असम, बताइए। मेरी इतनी ड्राइंग आती है मेरे को, लाइक कर दो, शेयर कर दो और प्लीज सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। पूजा जी आप देख लेना फिर मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मेरे को ऐसे पता नहीं है क्लैट का, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज है ना। इसका आंसर है आपका ए मद्रास को अगर आ गया तो सबसे पहले, ठीक है, 1950 में मद्रास को आपके दो से बांट गए, एक आपका तमिलनाडु और एक आपके आंध्र, ठीक है, ये दो से बांटा गया था। पंजाब को बाद में बांटा गया, पंजाब को कौन किस में बांटा गया, पंजाब को बांटा गया आपके किस किस में, पंजाब एंड हरियाणा में, और बाद में चलकर पंजाब और हिमाचल भी अलग अलग कर दिया गया। बॉम्बे को दस में बांटा गया, बॉम्बे को किस किस में, एक आपका महाराष्ट्र, और एक आपका गुजरात, ये दोनों आपके 1960s में हुए थे, लेकिन ये वाला आपका 1950s में हुआ था वॉटी श्री मल्लू के कारण, ठीक है। अगला सवाल, एंग्लो इंडिया रिप्रेजेंटेटिव इन दी लोकसभा आर नॉमिनेटेड इन दी टर्म्स ऑफ दी आर्टिकल, जो आपको एंग्लो इंडियंस होते हैं वो लोकसभा में नॉमिनेट होते हैं किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत वो लोकसभा में नॉमिनेट होते हैं, 80, 370, 333 या 331। देखिए कल आपको बता होगा 5 अगस्त धारा 370 हटे हुए एक साल हो गया, इसलिए डी अनुभव,
इसका आंसर क्या है आपका 331, 331 इसका आंसर है। आपकी कितने सदस्य नॉमिनेट करते हैं? 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियंस। कौन करता आपका? बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। राज्यसभा में कितने होते हैं? 12 सदस्य। ओके, अगला सवाल। उससे पहले आप अगर चाहते हैं कि आपको 10% डिस्काउंट मिले, साथ में आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिले, तो फिर आपको कोड लगाना है प्रणव टेनर प्रणव आईटी। जिससे ना केवल आपको एक बेहतर फ्यूचर की ओर बढ़ने का एक कह सकते हैं कि जरिया मिलेगा, उसके साथ साथ आपको ये भी मिलेगा कि आप कैसे एग्जाम बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए आप मेरे को 9555-0217 पे कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस कर सकते हैं। ना केवल आपको इसमें टेस्ट सीरीज और हजार साथ आपके कोचेस, 100 साथ आपके एजुकेटर्स, और अब तो बहुत सारे फीचर्स आपको ऐप में जाके पता लगेंगे। आपके डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग जो ऐप है, सॉफ्टवेयर है, वो आपको क्वेश्चंस बताता है कि आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए, ये नहीं। आप एक चीज करते हो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आपके भारत के राष्ट्रपति हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, हेड ऑफ द गवर्नमेंट या सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन। क्या है आपके राष्ट्रपति भारत के? भारत के राष्ट्रपति क्या है? यह सब तो अबॉलिश हो गया, नेक्स्ट तो नहीं होगा। थैंक यू चिराग जी। हर गोवन जी कह रहे हैं डी, और एक आपके विश्वजीत क्षेत्र भी कह रहे हैं डी। कल्पना जी कह रही है डी। इसका आंसर आपका डी है। जी हाँ, वो हमारे सुप्रीम कमांडर हैं, हमारी जो आपके डिफेंस फोर्सेज है उसके, दूसरा वो एग्जीक्यूटिव हेड भी हैं हमारे यूनियन के, वो एग्जीक्यूटिव हेड भी हैं। सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस उनके नाम पे लिए जाते हैं, सारे एग्रीमेंट उनके नाम पे साइन करे जाते हैं, सारे ऑर्डर्स उनके नाम पे होते हैं, इसलिए उसका आंसर क्या है आपका? डी। हेलो एवरीवन। अगला, दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसाइड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शंस ऑफ, जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है वो इंडिया में, वो आपके किस के चुनाव से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो किसके लिए डिसाइड करता है? सिर्फ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, या सबके इलेक्शन के जो डिस्प्यूट है वो ये करता है? ऑल ऑफ द अबव। इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चिराग जी, मैंने पहले ही बता दिया था कि आज हिंदी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत गलत हो रहा था। अमित सिंह जी कैसे हैं? अवनी सर कह रहे हैं डी, हरगोविंद जी कह रहे हैं डी, मनाश राठौर जी कह रहे हैं डी, विश्वजीत शेट्टी जी कह रहे हैं डी, चिराग पाठक कह रहे हैं डी, श्वेता बारिक जी कह रहे हैं डी। हाँ जी, हिंदी में बता रहे हैं। जहाँ आपके सुप्रीम, देखे कुछ लोगों के चुनावों में डिस्प्यूट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। तो वो कौन कौन होते हैं?
क्या वो सिर्फ स्पीकर और डेप्टी स्पीकर हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हैं, सब? तो इसका आंसर होगा आपका सब। इन सब के अगर कुछ भी चुनाव में कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो उसका फैसला आपका एंड में सुप्रीम कोर्ट ही करता है कि क्या वो चुनाव में जो फैसला क्या वो ठीक था गलत था। ठीक है, अगला, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ग्रांटेड। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत आपका कल्चरल और आपका शिक्षा के जो आपके राइट्स हैं, ठीक है, जो आपके अधिकार हैं वो दिए जाते हैं, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 31 में, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 31 में, या आपका आर्टिकल 29 और आपका आर्टिकल 30 में। किसके तहत आपके भारत के जो संविधान है उसके तहत आपको कल्चरल और शिक्षा के राइट दिए जाते हैं, बताइए किन अनुच्छेदों के तहत? प्लीज इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। देखो ठीक है, आपने ये आपका आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है, अगर आपको याद रखना है तो आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं फ्री सीसी की कौन कौन सा क्या क्या होता है। फ्रीडम, रिलीजन, एजुकेशन, वो इक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड आपका एजुकेशनल राइट और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 14 से 18 आपका क्या होता है, इक्वालिटी, 19 से 22 आपका फ्रीडम, 23 से 26 इसको एक बार दे, ये वाला देख लेना, एक बार मैं वो नहीं बताने चाहता गलत, थोड़ा दिमाग से निकल रहा है, अब इसको एक बार देख लेना। चौदह से अठारह आपका एक इक्वालिटी होता है, 19 से 22 आपका फ्रीडम होता है, 29 से 30 आपका कल्चरल एंड एजुकेशन होता है, 32 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है, बाकी के दोनों आप देख लेना कौन कौन से होते हैं। अगला सवाल, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स। जो आपके वोटर्स होते हैं उनको रजिस्टर करने के लिए किसकी जिम्मेदारी होती है, कौन जिम्मेदार होता है उनको रजिस्टर करने के लिए, बताइए, वोटर्स खुद, सरकार, इलेक्शन कमीशन या फिर पॉलिटिकल पार्टीज, कौन जिम्मेदार होता है वोटर्स को रजिस्टर करने के लिए, बताइए। चलिए कर देते हैं हिंदी में एक्सप्लेन अच्छे से। देखिए, आपके जो वोटर्स होते हैं, जब आपने इलेक्शन में अगर वोट करा है, अभी तक आपने वोट करा होगा तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है, तब जाके आपका कार्ड आता है, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड आता है, ओके, जिससे आप वोट कर सकते हैं। तो बताइए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसकी जिम्मेदारी है ऐसे रजिस्टर करना, क्या खुद वोटर की, सरकार की, इलेक्शन कमीशन की या आपके पॉलिटिकल पार्टीज की, किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, यस यस, थैंक यू सर। ये 23 और 24 होता है, फिर रिलीजन 26 से 28 होता है आपका वो अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सी कह रहे हैं अमित सिंह, सोनल चंद्रा कह रहे हैं सी, विश्वजीत कह रहे हैं सी, अवनी सर कह रहे हैं सी, मनास राठौर कह रहे हैं सी, श्वेता बारिक कह रहे हैं सी। देखो ठीक है, आपने इसका आंसर क्या है आपका, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन इसका आंसर है। आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन हमारी आती है, ठीक है। दूसरी चीज, इस टाइम पे हमारे एक चीफ इलेक्शन कमीशन और एक आपके एक इलेक्शन कमीशन है, मतलब दो इलेक्शन कमिश्नर हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, सुनील अरोड़ा, और एक जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे उनको ADB का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, उसका नाम क्या है आपका, अशोक लवासा, अशोक लवासा।
Congressor, who was called by the British rulers as the leader of India unrest. British, जो आपके राजकर्ता थे, उन्होंने एक हिंदुस्तानी लीडर को कहा था कि वो लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट है, या जी लीडर ऑफ इंडिया के विद्रोह हो रहा है, जो उसका लीडर है, तो वो किसे कहा था? क्या वो आपके बाल गंगाधर तिलक को कहा था, महात्मा गांधी को कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था, आपको सुभाष चंद्र बोस कहा था? किसको कहा था ब्रिटिशर्स ने एज अ लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? भाई इनके नाम से फर्क नहीं पता लग रहा आपको? फ्री के रोहित ये चीफ हैं, ये हेड हैं, और ये दो उनकी हेल्प करते हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और ये बस इलेक्शन कमिश्नर है, ये डिफरेंस है। अब नहीं सर कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक डिजायर ऑफ नेशन के, ओ सॉरी अनुवाद जी कह रहे हैं डी। इसका आंसर क्या होगा आपका? ए बाल गंगाधर तिलक। इनके अभी अभी आपकी 100वीं डेथ एनिवर्सरी भी थी, वो अभी अभी निकली है, ठीक है। इन्हें हम आपके लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि अभी अभी ये न्यूज़ में थे, ठीक है। इनके ऊपर भी एक वो भी हुआ था, प्रोग्राम भी हुआ था, मैंने आज सुबह का, कल सुबह का आपके करंट अफेयर्स में भी करा, तो पूछा जा सकता है। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये जो फेमस आपकी तिगड़ी थी लाल बाल और पाल, ये उसके हिस्सा थे, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपका बिपिन चंद्रपाल, ठीक है। ये एक्सट्रीमिस्ट थे कांग्रेस के, ये एक्सट्रीमिस्ट हिस्से से आते थे, ओके। अगला, वही बात फिर से कहूंगा क्योंकि बच्चे कोड किसी और का लगा लेते हैं, फिर क्या करते हैं कि मेरे से कहते सर पर्सनल मेंटरशिप दे दो। नहीं देखिए, पर्सनल मेंटरशिप एक एड ऑन बेनिफिट है अगर आप मेरा कोड लगाते हो आपको, ठीक है, जिससे मैं ये पता कर पाऊँ कि कितने बच्चे मेरे पे विश्वास कर रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, अगर मेरे से पर्सनल मेंटरशिप चाहिए अनअकैडमी के बेनिफिट्स के साथ साथ, ठीक है, तो आपको प्रणव टेन प्रणव आई टी का कोड लगाना पड़ेगा और मेरे को मेरे नंबर 9555021799 पे कॉल व्हाट्सएप एस एम एस करके बताना पड़ेगा। अगला सवाल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज, जब भारत की आजादी हुई तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रपति कौन थे, कौन उसके मुखिया थे? क्या वो आपके राजेंद्र प्रसाद जी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या आपके जेबी कृपलानी थे? ऐसा कैसे नहीं कहा सोनल जी, क्या पता आपका चेंज होता है पेपर, क्या पता आपका पेपर चेंज होता है। जतिन जी शायद हो सकते हैं, अभी पहले आंसर दीजिए आप। अनुभव कह रहे हैं डी जेबी कृपलानी। सही आंसर दीजिए और प्लीज इस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी से शेयर करा कर अपने दोस्तों को लेकर जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। देखो ठीक का, इसका आंसर आपका जेबी कृपलानी था, जेबी कृपलानी था इसका आंसर आपका, जो भारत के राष्ट्रपति थे, मतलब भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के आपके राष्ट्रपति थे उस टाइम पे जब भारत की आजादी हुई, तो आपके जेबी कृपलानी थे। पहले राष्ट्रपति थे आपके डब्ल्यू सी बैनर्जी, पहली महिला थी एनी बेसेंट, पहली हिंदुस्तानी महिला थी आपकी सरोजिनी नायडू, और पहले मुस्लिम जो थे जिन्होंने इसका भार संभाला वो थे आपके कौन, ये आप मेरे को फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट का नाम बताइए, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अगला सवाल, एनी बेसेंट एंजॉयड द प्रेसिडेंटशिप ऑफ INC एट इट्स सेशन हेल्ड इन, एनी बेसेंट ने जो आपकी
राष्ट्रपति बनी वो आईएनसी की यानी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो कौन से सेशन में बनी जो कब हुआ था, 1918 का, 1917, 1916 या 1920, बताइए। बताइए कौन से में बनी थी। चले चले आंसर आ रहे हैं। देखो ठीक है, आपने 1917 में बनी थी ये, कोलकाता सेशन में, ठीक है। और फर्स्ट यूरोपियन कौन थे जो बने थे, फर्स्ट यूरोपियन या फर्स्ट ब्रिटिशर भी कह सकते हैं, पहले यूरोपियन थे आपके जॉर्ज यूर, जॉर्ज यूर, ठीक है, जो आपके 1888 में बने थे। एहो यूम, जिन्होंने जो फाउंडर थे एहो यूम, ये कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, नेवर अ प्रेसिडेंट, ये याद रखना, पूछ लेते हैं, ही वॉज नेवर अ प्रेसिडेंट। अगला सवाल, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसेसेस, भारत के जो आपके राज्य थे, ठीक है, उनके एक साथ एकजुट होके एक देश बनने के लिए कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था, किसकी जिम्मेदारी थी वो, या किसकी वजह से ये भारत के सारे राज्य एकजुट होकर भारत देश बन पाए, बताइए किसकी वजह से। लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, आपका सी राजगोपालाचारी, हाँ जी, हर हरगोविंद बघेल जी पढ़ा रहे। हरगोविंद जी अभी आप कह रहे हो तेज पढ़ा, फिर आप आंसर गलत दे रहे हो, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ये कैसे सवाल पूछ रहा हूँ सोनल जी, अचानक से कहाँ से आ गया, आप जाके सर्च कर सकते हो, इसका आंसर है आपका सरदार पटेल, सरदार पटेल इसका आंसर है। देखिए सरदार पटेल, इन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इन्हें कुछ ऑथर्स के द्वारा बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा गया है, ठीक है। इनके वजह से हम 31 अक्टूबर को, इन मतलब इनके लिए हम 31 अक्टूबर का आपका यूनिटी डे बनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे, आई थिंक 565 राज्यों को इन्होंने एकजुट कर दिया था, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज याद रखना कि जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसके बारे में बता दूं, वो आपके नर्मदा रिवर पे है, आपके साधुबेट आइलैंड पे, साधुबेट आइलैंड, अगला, ठीक है। अगला, वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट ट्राई दी वेपन ऑफ सत्याग्रह, बरदोली, साउथ अफ्रीका, चंपारण, डांडी। महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार आपका जो सत्याग्रह का जो आपका वेपन था, ठीक है, आपका हथियार था सत्याग्रह का, पहली बार कहां यूज करा था, बरदोली में, साउथ अफ्रीका, चंपारण, डांडी में।
हर गोविंद जी, ये देखिए ये आपने कहीं से भी पढ़ा हो ठीक है, वो गलत है ठीक है, आपने कहीं से भी पढ़ा हो ठीक है, कि उनकी हेल्प कैसे करी थी। मैंने आपसे पूछा किसे क्रेडिट दिया जाता है, क्रेडिट आपके लॉर्ड माउंटबेटन को नहीं, आपके सरदार पटेल को दिया जाता है। इसलिए कहते हैं मोर देन रिक्वायर्ड नॉलेज आपको तभी यूज करनी चाहिए जब आपको बोला जाए। अभी कुछ नहीं कह सकते अत्यंत त्यागी जी, होगा पोस्टपोन तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको और टाइम मिल गया पढ़ने का, बिल्कुल ठीक का साउथ अफ्रीका में। और एक और क्वेश्चन जो अक्सर पूछ सकते हैं साउथ अफ्रीका में, इनके फार्म का क्या नाम था आपके, या जिनका आश्रम का नाम था वो नाम था आपके टॉलस्टॉय, जिनका आश्रम का नाम था टॉलस्टॉय फार्म। और इंडिया में उनके फार्म का क्या नाम था, या जो उनका आश्रम था उसका नाम था आपका साबरमती आश्रम। ठीक है, अगला सवाल, इन 1717 विच मुगल एम्पायर गिव इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फरमान ग्रांटिंग ट्रेड प्रिविलेजेस इन इंडिया। 1717 में किस मुगल बादशाह ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी करा जिससे उन्हें ट्रेड करने में सुविधाएं मिल गई हिंदुस्तान में। बहादुर शाह ने, जहांगीर शाह ने, शाह आलम टू ने, या फरूख सैयद ने। पहली बात, इस फरमान का नाम आपके गोल्डन ऑर्डिनेंस भी बोलते हैं या गोल्डन फरमान भी बोलते हैं। इससे आप ड्यूटी फ्री और टैक्स फ्री ट्रेड कर पा रहे थे जिससे फिर हमारे देश में कब्जा होना शुरू हुआ। आंसर दीजिए जल्दी। मैं क्या देखूं हर्षल, पता नहीं तुम क्या क्या भेज रहे हो, ये बंदर बंदर अपनी क्यों भेजती शक्ल बार बार। इसका आंसर क्या आपका, किसी ने अभी तक ठीक आंसर नहीं दिया अभी तक, एक ने दिया अंशुल ने, बिल्कुल ठीक कहा सर। इसका आंसर है आपका फरूख सैयद, फरूख सैयद ने ये गोल्डन ऑर्डिनेंस इशू करा था। मैंने बताया था ना कि औरंगजेब के बाद तो जो भी आपके मुगल सारे थे वो बिल्कुल ही बेकार थे, इनकॉम्पिटेंट थे, सारे दिन गैम्बलिंग जुआ डांस ये सब देखने में अपना सारा समय निकाल देते थे। अगला, वही बात फिर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बच्चे आते हैं किसी और का कोड लगा के, मैं आपको फिर परसेंटेशन नहीं दे पाऊंगा, मना करते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन यही रूल है। आपको अगर 10% डिस्काउंट मेरी परसेंटेशन चाहिए तो आप प्रणव टेन और प्रणव आई टी का कोड लगाएंगे, ना केवल आपको 10% डिस्काउंट मिलता बल्कि आपको परसेंटेशन भी मिलती है। नंबर है 9555-02179, आप इस पर कॉल व्हाट्सएप एसएमएस करके मेरे से जानकारी ले सकते हैं, शायद हो जाए। अगला, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, सबसे लंबी ठीक है माउंटेन रेंज कौन सी है वर्ल्ड में, काराकोरम हिमालयस एंडीज या उरल माउंटेंस। काराकोरम हिमालय एंडीज या उरल माउंटेंस कौन सी है, जी इसे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। कुछ ये जो ठीक आंसर दे रहे हैं, और इसका आंसर आपका एंडीज, ये आपके साउथ अमेरिका में। मैंने पहले ही बताया हुआ था, किसी ने लगता है वो क्लास अटेंड नहीं करी, वर्ल्ड को ज्योग्राफी का मैंने मैराथन लिया था संडे को, आप प्लीज़ वो स्पेशल क्लास अटेंड करा करो जो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर लेता हूँ, उसको प्लीज़ अटेंड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ज़रूर अटेंड करा करिए ठीक है। एंडीज माउंटेन जो कि आपके साउथ अमेरिका में, उनको ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर ये साउथ अमेरिका है तो ये यहाँ से शुरू होता है, अगर आपका साउथ अमेरिका होता है ये यहाँ से शुरू होता है कहीं से और ऑलमोस्ट बिल्कुल टिप तक जाता है, यहाँ पे इतना लंबा है आपका एंडीज माउंटेन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हेरिंग पॉन्ड, इनमें से किसको हम आपके हेरिंग पॉन्ड के नाम से जानते हैं, अटलांटिक ओशन, डेड सी, ब्लैक सी, आपका पैसिफिक ओशन, बताइए। हर्ष मत करिए, हर्षल मत करिए, ऐसे ब्लॉक करवाना पड़ेगा आज।
अरे लाइक करने को कहा ही है, कौन डिसलाइक करता है। लाइक कर दीजिए प्लीज, शेयर कर दीजिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विश्वजीत जी बोल रहे हैं डी, कैलाश चंद सैनी बोल रहे हैं डी, बस नाम है, नाम है उसका, नाम है बस। अरे आपको इसे कितने को कहा है जो डिसलाइक करता है प्लीज ये बता दिया करे भैया कि हम क्यों कर रहे हैं सर डिसलाइक, कि हम क्यों डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि मेरे मैं इंप्रूव कर पाऊँ, ताकि मेरे को पता चले मैं कहाँ कमी ला रहा हूँ, कहाँ मेरे में कमी आ रही है, इसलिए कह रहा हूँ। इसका आंसर है आपका अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन को हम आपके हेरिंग पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, अटलांटिक ओशन। इसका आंसर है आपका अटलांटिक ओशन। ओके, अगला सवाल, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन, जो आपके भूकंप की इंटेंसिटी होती है कि कितनी तेजी से अर्थक्वेक आया, वो किस पे मेजर करा जाता है, आपका बियोफोर्ट स्केल पे, सेकेंड स्केल पे, रिक्टर स्केल पे, आपका मर्सली स्केल पे, बताइए। आपको पता होगा बेरूत जो आपकी लेबनान की कैपिटल है, वहां पे एक आपका भी अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, किसकी वजह से, अमोनियम नाइट्रेट की वजह से एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। दोस्तों साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि वहां पे 4.5 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, उसकी वजह से तो शॉक वेव्स हुई। तो ये बताइए कि वो इनको कैसे पता चला, इन्होंने कोई स्केल यूज़ करा होगा, उस स्केल का नाम था आपका रिक्टर स्केल, उस स्केल का नाम था आपका रिक्टर स्केल, कि रिक्टर स्केल पर अगर नापा जाए तो 4.5 इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था, बहुत बुरा हुआ आपके लेबनान में, ठीक है। तो उनके लिए दुआ करिए कि वो सारे ठीक हो जाएं, ठीक है, बहुत बुरा हुआ है, ऐसी वीडियोस देखी है मैंने बहुत बुरी बुरी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज देखें। यस, वो ब्लास्ट हो गया, फैक्ट्री थी वहाँ पे बनता था केमिकल, और वो केमिकल पे आग लग गई और वो ब्लास्ट हो गया। अच्छा, कौन से ग्रह को हम आपके अर्थ के जुड़वा के नाम से जानते हैं, विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ स्प्रिन, बताइए। आपके यूरेनस को, नेपच्यून को, वीनस को, या मार्स को, किस प्लैनेट को हम आपके अर्थ स्प्रिन के नाम से जानते हैं। देखिए कितना टन था, कितना टन ही था, मेन ये था कि बहुत ही सिवियर हुआ है, बहुत ही सिवियर हुआ है। फिर कल UAE में, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, एक मार्केट प्लेस में आग लग गई, तो ये साल तो भैया बहुत ही बुरा जा रहा है। मर्सली स्केल सर आपका मैग्नीट्यूड के लिए होता है, मैग्नीट्यूड और डैमेज। रिक्टर आपका 1 से 10 होता है, और मर्सली आपका 1 से 12 होता है, या मैंने इन दोनों को मैंने वो कर दिया है, आप देख लेना एक बार सारे। इसका आंसर क्या है आपका, वीनस। इसका आंसर है आपका वीनस। वीनस को हम आपके अर्थ के जुड़वा के नाम से जानते हैं, वीनस को। आई थिंक सैटर्न या जुपिटर में से एक पे होता है, सैटर्न या जुपिटर में से एक पे आपके डायमंड की बारिश होती है, क्योंकि वहां पे कार्बन बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में। अगला सवाल, द लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर फाउंड इन, जो भारत के सबसे ज्यादा कोल के जो आपके रिजर्व्स हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, आपके मध्य प्रदेश में, बताइए। प्लीज इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।
इसका आंसर क्या है आपका? झारखंड, झारखंड इसका आंसर है। ओके अगला, फिर भाई सेम चीज, इसको ध्यान में रखिए और इस नंबर को भी ध्यान में रखिए, और ये चीज़ याद रखिए कि 10% प्लस परसेंट में टॉस। अब जल्दी से आज एक क्विक फायर करेंगे। अब द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड रेफर्स टू, जो आपके ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है वो किसको रेफर करता है? आपके रैपिड ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में 1921 के बाद, जो आपकी बहुत तेज़ी से जो आपकी जनसंख्या बढ़ी 1921 के बाद, उसे जो डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो था 1921 के बाद उसको, ऑल ऑफ द बर्फ को, यदि स्लो डाउन इन डेथ रेट आफ्टर 1921, जो आपके मतलब मरने के रेट में जो कमी आई 1921 के बाद उसे किसको रेफर करता है आपका? द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको रेफर करता है बताइए? इसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। वही तो आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपको मतलब बता दूंगा फ्री के रोहित, तो फिर क्वेश्चन का फायदा क्या है? इसका आंसर आपका ए। देखिए हुआ क्या था कि 1901 से 1911, जल्दी बता रहा हूँ, आपकी पॉपुलेशन कुछ हो गई थी 253, और 1921 मतलब 1911 से 1921 में आपकी पॉपुलेशन हो गई थी 252, तो मतलब पॉपुलेशन कम हुई थी। लेकिन इसके बाद 1921 के बाद आपकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हुई, मतलब रैपिड इंक्रीज हुआ, तो इसी को हम कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 पे, इसलिए हम आपको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। ठीक है, अगला स्टैगफ्लेशन इंप्लाइज, आपका स्टैगफ्लेशन होता है वो क्या होता है? ठीक है, एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड में बहुत ज़्यादा खराबी, राइजिंग वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब बढ़ती सैलरीज और आपके एम्प्लॉयमेंट यानी आपका रोजगार, रिसेशन होना प्लस इन्फ्लेशन होना, वो आपका स्टैगफ्लेशन होता है। आपका गैलपिंग इन्फ्लेशन मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ती आपकी मुद्रास्फीति। यस यस बिल्कुल ठीक कहा आपने नितेश कुमार। बच्चों लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 50 लाइक दे दो, 50 लाइक दे दो सेशन के खत्म होने से पहले पहले, जल्दी से। मैं तीन और क्वेश्चन बचे, जल्दी से बताइए। अवनी सर कह रहे हैं सी, पहला वाला क्वेश्चन कहाँ गलत था, ठीक तो था अमित सिंह जी। सोनल जी अभी कुछ नहीं पता, कुछ कह नहीं सकते। देखो ठीक का, रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन होता है आपका स्टैगफ्लेशन, रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन। अगला सवाल, व्हाट आर गिल्ट एज सिक्योरिटीज? गिल्ट एज सिक्योरिटीज कहते हैं, जिसे हम आपके जी सेक्स भी कहते हैं। सिक्योरिटीज इश्यूड बाय द प्राइवेट सेक्टर्स, जो आपके निजी क्षेत्र द्वारा जो आपकी सिक्योरिटी यानी जो आपके बॉन्ड्स इशू करे जाते हैं वो, मल्टीनेशनल यानी आपके MNCs द्वारा जो करे जाते हैं वो, जॉइंट वेंचर कंपनीज के द्वारा जो करे जाते हैं वो, या अगर आपको गवर्नमेंट इशू करती है सिक्योरिटीज वो क्या होते हैं आपकी गिल्ट एज सिक्योरिटी? बताइए इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट, जहां आपकी अर्थव्यवस्था के लिए जो प्लानिंग करी जाती है वो किस में सब्जेक्ट है? आपके किसी भी लिस्ट में नहीं है, मतलब अनस्पेसिफाइड है, नहीं स्पेशलिस्ट, या आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में, आपकी यूनियन लिस्ट में और आपकी स्टेट लिस्ट में।
ठीक है बताइए किस में है? आपको पता होगा ना हमारे यहाँ पे तीन तरह की लिस्टिंग सिस्टम है, एक आपका कॉन्करेंट है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कर सकते हैं, फिर एक आपका स्टेट आता है और फिर एक आपका यूनियन आता है। तो ऐसे ही इकोनॉमिक प्लानिंग किस में आता है आपका, इसे हम क्या कहते हैं आपका फेडरल प्रोविजंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। सिक्योरिटीज, अरे स्टॉक्स नहीं होती, स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटीज नहीं होती। नो नो नो, ये यूनियन लिस्ट में है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन द यूनियन लिस्ट, ये यूनियन लिस्ट में आता है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन द यूनियन लिस्ट, सारे कॉन्करेंट क्यों बोल रहे हो? दो मिनट जाइए, सही कह रहे हैं आप लोग, ये कॉन्करेंट लिस्ट में ही आता है। माफी चाहूंगा, इसका आंसर आपका कॉन्करेंट लिस्ट ही होगा। माफी चाहूंगा, क्योंकि आपका बजट तो आपका राज्य सरकार भी बनाती है, जो आपका बजट होता है वो तो आपका राज्य सरकार भी बनाती है। बिल्कुल ठीक है आपने, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर आपका कॉन्करेंट लिस्ट होगा, ठीक है, इसका आंसर आपका कॉन्करेंट लिस्ट होगा, क्योंकि बजट दोनों बनाते हैं। और आखिरी सवाल आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैंकर ऑफ द बैंक्स, इनमें से कौन सा आपका बैंकर ऑफ द बैंक्स है? SBI एंड RBI, RBI SBI आपका IDBI, बैंकर ऑफ द बैंक्स कौन है बताइए, बैंकर ऑफ द बैंक्स कौन है जल्दी बताइए। बिल्कुल ठीक बताया, चलिए भाई इसको प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते, कंजूसी मत करा करो लाइक शेयर और सब्सक्राइब में, बहुत कंजूसी करते हो। बिल्कुल ठीक का, इसका आंसर आपका RBI है, बिल्कुल ठीक का। चलिए आज के लिए क्लास यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, और आज मैं अपना जो मेरा कोर्स आ रहा है इसको लॉन्च कर दूंगा ऑफिशियली, तो ज़रूर उसमें आना, मैं आपको मैं बना के इवेंट उसको ज़रूर शेयर कर दूंगा हर जगह, ठीक है। तो मिलते हैं हम आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।